जब मैं यहाँ आया था हमारे पास कुछ नहीं था, मात्र दो जोड़ी कपड़े लेके जैसे आते हैं ना, एक बैग लेके गांव से, उस हालत में ही आए थे। हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं था, में लेके रहते थे। हमारे पास एक जग और ग्लास भी नहीं होता था पानी पीने के लिए, बोतल द्वारा ही पी लेते थे। अब हर चीज़ है हमारे पास, जो भी अवेलेबल होना चाहिए एक जनरल लोगों के पास जैसे होता है, वो हर चीज़ हमारे पास है। आज मैंने लुधियाने के अंदर 100 गज का प्लॉट भी अपना इसी काम से खरीद के रख रखा है। हाँ जी, और ये है हमारा दुकान का फेवरेट आइटम, वेज लैग पीस यानी सोया चाप। नॉर्मल स्ट्रीट कार्ट होने के बावजूद भी बहुत साफ सफाई रखी गई है। मेरा नाम बालाजी गुप्ता है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट, गांव का नाम पड़ता है बछवारा। और मैं हाँ जी, और ये दाल कटलेट है, ये स्प्रिंग रोल जो हर जगह अवेलेबल है, और ये है हमारा दुकान का फेवरेट आइटम वेज लेग पीस यानी सोया चाप। मैं कह तो रहा हूँ कि समझिए ना, जब हम रूम में लेके रहते थे हमारे पास एक जग और ग्लास भी नहीं होता था पानी पीने के लिए, बोतल द्वारा ही पी लेते थे। और होटल में खाना खा लेना बहुत सस्ता, जैसे आम स्टॉलों पे होता था वैसे खा पी के वैसे ही दिन गुजारा चलता था हम लोगों का। अब हर चीज़ है हमारे पास, जो भी अवेलेबल होना चाहिए एक जनरल लोगों के पास जैसे होता है, वो हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। अब किसी चीज़ की भगवान की दया से किसी चीज़ की कमी नहीं, और बहुत सुखी है। मेरे पास साइकिल भी नहीं थी अपनी, अभी मेरे पास स्कूटी भी है, रहने के लिए जगह भी है, और आज मैंने लुधियाने के अंदर 100 गज का प्लॉट भी अपना इसी काम से खरीद के रख रखा है। इस काम से सर हर जितने भी हमारे घर की प्रॉब्लम थे सभी इसी काम से सॉल्व हुआ है। हाँ, तीनों सिस्टर की शादी भी किया और घर मकान भी गांव के अंदर हमने तैयार किया, वहाँ भी स्वीट शॉप की हमारी शॉप है, वो भी हमने यहाँ पे जाके स्टार्ट किया पापा के एक्सपायर होने के बाद। जो कुछ भी किया हमने इसी स्टॉल से किया, बिल्कुल बिल्कुल, कभी हार नहीं मानना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, कोई भी लड़का हो कैसा भी हो, कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। मेहनत करेगा अपने आप हर मुश्किल हल हो जाएगी उसकी।
कितना भी मुश्किल हो, जब तक घर से हम बाहर नहीं निकलेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। घर से बैठे बैठे अगर कुछ सोचते रहेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। देखिए, जो सुख मेहनत करके खाने में है ना, किसी चीज में नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो गलत धंधे में, उनकी कमाई जैसे आया वैसे ही चला गया, फिर उनको देखता हूँ उसी पोजीशन पे खड़े। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने 300 रुपये महीने से स्टार्ट किया था पंजाब में नौकरी जॉब करना, आज लोग 20,000 रुपये सैलरी देने के लिए भी मुझे तैयार है। स्टॉल यही है कि पूरे लुधियाने के अंदर एक वन स्टॉल है ये, जिसकी दूसरा कोई स्टॉल है नहीं, कोई हमारी ब्रांच नहीं है, कोई इसके जोड़ी का कोई दूसरा स्टॉल है नहीं। और इसका क्वालिटी यही है कि क्वालिटी भी है, और पर पीसेस के हिसाब से हम प्लेट सिस्टम नहीं देखते, पर पीसेस यानी नॉर्मल क्लास के लोग भी आके 10 रुपये का ब्रेड भी खा के जा सकते हैं, और अच्छे लोग आदमी आके बड़े घर के भी लोग आके वहाँ से हमारे 180 रुपये का बटर चाँप वगैरह होता है, मलाई चाँप होता है, पास्ता है, मैगी है, एनी भी मतलब कि अदर कितने भी स्टॉल लगे हुए हैं उससे कुछ हटके। सबसे पहला है हमारा स्टॉल पे सोया चाँप, बटर मैगी, पास्ता, ये सब हमारी मेन मतलब जो भी आइटम हमारा सब फेवरेट ही है, मतलब आपको दूसरे स्टॉल पे ये आइटम नहीं मिलेंगे। हर आइटम खिलाएंगे पर पीसेस है, ये तो है नहीं कि प्लेट है जो 8 पीस 10 पीस लगा दिए खाया ना गया वेस्ट हो गया। 100 से 150 रुपये में हम लोग इतने सारे प्लेट देते हैं कि 4 आदमी 5 आदमी आराम से इंजॉय करके हर चीज़ का क्वालिटी का स्वाद ले सके। कोरोना में देखिए हर किसी को प्रॉब्लम तो आती है, हर किसी को प्रॉब्लम हुआ है, वो हम हो चाहे हमसे बड़े लोग हैं कोई भी है, प्रॉब्लम सभी को आया है कि साफ़ सुथरे ढंग से हर चीज़ फ्लेवर मसाले से लेके हर चीज़ साफ सुथरा ढंग से होता है, ब्रांडेड हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जो भी चीज़ हो ब्रांडेड और डिस्टेंसिंग के साथ मास्क के साथ सैनिटाइज वगैरह करते हुए ये स्टॉल लगाते हैं, जो सुरक्षा अपनी भी हो सके और उनकी भी हो सके, तो इस समय तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, हमारा इसी चीज़ के लिए ही तो फेवरेट है ये चीज़, मशहूर इसी कारण है कि हम साफ सुथरा पे पहले ध्यान देते हैं। शाकाहारी सांड के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो गाइस, अभी आपने सुना इस स्टॉल के पीछे की कहानी, इस स्टॉल के पीछे की मेहनत, इस स्टॉल के पीछे का जज्बा। हम मेहनत करते हुए हम कहां से कहां पहुंच जाएं ये किसी को नहीं पता, बस हमें कभी भी मेहनत के पीछे से अपना हाथ पीछे नहीं खींचना चाहिए। यही कहानी है स्टॉल की जो अभी हमें बालाजी ने बताई। तो बालाजी, आपकी स्टोरी सुनी, मेरे ख्याल से ये कहानी सुन के बहुत से लोग मोटिवेट होंगे, बहुत से लोग चाहेंगे कि वो भी ऐसे मेहनत करके पहुँचें। आप कहाँ से कहाँ पहुँचे, और आज हमने आपके इस मेहनत के काम का मेहनत का साइकिल लेने आए आज हम। बिल्कुल सर, तो शुरुआत कहाँ से करें, क्या करें? हर आइटम से चलो मैं इनका ये पीर का आइटम टेस्ट करता हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा क्या मसाले हैं क्या नहीं है, क्या फ्लेवर है क्या नहीं है, इसमें मेरे को मिला है असली मेहनत का जायका। हम मेहनत करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, ये एग्ज़ाम्पल है, ये दिस इज़ ए एग्ज़ाम्पल। तो सर, इतना सारा खाना हम अकेले तो खाएंगे नहीं, आप भी कुछ खाओ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अपने ब्रदर साहब शिवम मेरे साथ है, हाँ वो भी सर, आपकी फिर से कहानी सुन के सर मैं बहुत मोटिवेट हुआ हूँ। तो गाइस, मैं इसकी लोकेशन आपको लिंक में दे दूंगा, नीचे स्टूडियो मिलन के सामने गिल चौक वाले पुल के ये नीचे खड़े होते हैं, दूरी रेलवे लाइन। तो दूरी रेलवे लाइन के यहाँ पे इनका खाना टेस्ट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम इंस्टा पे हमें फेसबुक पे फॉलो करें, और हम ऐसी अच्छी अच्छी कहानी आपको ऐसी अच्छी अच्छे खाना दिखाते रहेंगे। और अपना ज़रूर ध्यान रखें, ये टाइम चल रहा है कोविड-19 का, सो स्टे सेफ। Thank you.